राम और कृष्ण की जन्मस्थली वाले उत्तर प्रदेश का इतिहास करीब 4000 साल पुराना है, लेकिन यहाँ की काशी नगरी इतिहास को भी पीछे छोड़ देती है। भगवान बुद्ध का पहला उपदेश से लेकर उनके परिनिर्वाण तक का गवाह रहा है उत्तर प्रदेश। इतिहास के पन्नों को पलटते हुए जब हम मध्यकाल की तरफ बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश मुगल शासकों के अधीन भी रहा। शाहजहां ने विश्व प्रसिद्ध ताजमहल यहीं पर बनवाया, जहां आज भी देश विदेश के लोग दीदार के लिए पहुंचते हैं। जब भारत में अंग्रेजों का राज छाने लगा तो उस समय उत्तर प्रदेश को बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत रखा गया। 1833 में इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर उत्तर पश्चिमोत्तर प्रांत बनाया गया। इसे आगरा प्रेसिडेंसी के नाम से भी जाना जाता था। 1902 में इसे यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध के तौर पर जाना जाने लगा। 1920 में इसकी राजधानी इलाहाबाद से बदलकर लखनऊ कर दी गई और फिर जब देश आजाद हुआ तो 12 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति के लिए आजादी का बिगुल यूपी के मेरठ से ही फूंका गया। मंगल पांडे ने यूपी की धरती से ही विद्रोह की चिंगारी जलाई थी। यहाँ के अनेक सपूतों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आजाद भारत को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने ही दिए हैं। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहले राष्ट्रपति हैं जो कि यूपी से ताल्लुक रखते हैं। यूपी के इतिहास में वो तारीख भी दर्ज है जब बाबरी मस्जिद को कार सेवकों ने गिरा दिया। साल 1992 की दिसंबर महीने की वो 6 तारीख थी। इसका असर पूरे देश पर पड़ा। आज भी मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इधर 90 के दशक में अलग राज्य उत्तराखंड की मांग जोर पकड़ रही थी। 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर में अलग राज्य की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोलाबारी में 40 लोग मारे गए और फिर 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तरांचल के नाम से अलग राज्य ने जन्म लिया। करीब 7 साल बाद राज्य का नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। भारत का दिल कहे जाने वाला उत्तर प्रदेश आज विकास के नए आयाम गढ़ रहा है।